बनरिया समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों की हड़ताल अभी समाप्ति हुई है कि अब बाल विकास के लिपिक भी हड़ताल में जाने की तैयारी में है। गुरुवार और शुक्रवार को बाल विकास अंतर्गत कार्यरत लिपिक भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन किए। जिला समाज कल्याण कार्यालय गढ़वा में कार्यरत सभी तीनों लिपिक प्रभात लकड़ा, सुदीप परिया और मनोज कुमार को काला बिल्ला लगाकर कार्य करते हुए देखा गया। वहीं शनिवार को ये सभी कर्मी प्रथम पाली में कलमबद्ध हड़ताल पर रही। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार के द्वारा बताया गया कि हमारे संघ के द्वारा विगत कुछ वर्षों से ICDS लिपिकों के लिए पूर्व की नियमावली 2006 को संशोधित करते हुए प्रोन्नति देने हेतु बार बार पात्र के माध्यम से अनुरोध किया जाता रहा, परंतु इस संदर्भ में अब तक विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। सुदीप परहरिया ने बताया कि झारखंड राज्य गठन के बाद से न तो ICDS में लिपिकों की नियुक्ति की गई और न ही हम लोगों को प्रोन्नति दी जा रही है। हमारी प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतनमान 1900 से बढ़कर 2400 ग्रेड पे करना है, 2 वर्षों के उपरांत सेवा संपुष्टि तथा नियमित पदोन्नति प्रदान करना, ICDS के लिपिक के लिए एक स्पष्ट नियमावली तथा सीमित परीक्षा के माध्यम से हम सभी लिपिकों को CDPO के पद पर पदोन्नति हेतु पद आरक्षित करने के लिए अनुरोध किया गया। इन्होंने बताया कि हमारी मांग पूरी नहीं होने पर 1 सितंबर से आंदोलनरत सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। समाज कल्याण कार्यालय गढ़वा में कार्यरत लिपिकों को हड़ताल में चले जाने से विभाग द्वारा संचालित स्कूली लड़कियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्य प्रभावित हो सकते हैं। बनरिया से सत्येंद्र कुमार केसरी की रिपोर्ट। ब्रजेंद्र कुमार पाठक, भावी विधायक प्रत्याशी, समाज सेवी, भाजपा वरिष्ठ नेता। हमारा प्रयास आपका विश्वास तय करेगा क्षेत्र का विकास। 77 मझियां विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी ब्रजेंद्र कुमार पाठक की ओर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।